भारत में हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। कम से कम अभी लगभग डेढ़ साल हो चुका है सुशांत सिंह राजपूत को अपनी जान गंवाए हुए। उनका मर्डर हो चुका है 14th of June 2020। हमने उसे खो दिया, बट उसके जाने के बाद भी उसके बलिदान को जाया नहीं होने देंगे हम, और इस जिम्मेदारी को मुझ जैसे लोग और मेरे जैसे कुछ और है जो बहुत प्यार से हर बार जस्टिस के लिए लड़ाई करते हैं और लड़ते रहेंगे। मैंने शुरुआत से एक ही चीज पर आप लोगों को एक बात करी है कि हम अगर लड़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जस्टिस के लिए, और जस्टिस पे आती है हर वो इनजस्टिस की बात जिस पे हम कुछ भी कह सकते हैं। हमारा राइट है, हम जनता है, हम जो देख रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो हम दर्शा सकते हैं, समझा सकते हैं अपने दोस्तों को, यानी आप सबके साथ। आज एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर इसलिए क्योंकि बड़ा नाम है। बड़ा नाम जब भी होता है तो बहुत ही इजी हो जाता है किसी को बदनाम करना, किसी को बहुत प्यार देना। तो इसी तरह से एक बहुत बड़े नाम का एक बहुत ही बड़ा खुलासा है। ये खुलासा कितना सच्चा है कितना झूठा है अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैं आपको एक अपडेट देती हूं। शाहरुख खान, यस, हमारे किंग खान, हमारे बादशाह, हमारे सैकड़ों हजारों कितने करोड़ों की मात्रा में लोगों ने उन्हें प्यार दिया है, उस इंसान का नाम बहुत है, बट उस इंसान का नाम थोड़ा बर्बाद करता है आर्यन खान, यानी कि उनका पुत्र, उनका बेटा। और ये पहली बार नहीं है, उसके ऐसे कुछ स्कैंडल्स इसके पहले भी बाहर आ चुके हैं, कुछ वीडियोस बाहर लीक हुई थी, आप सबको शायद याद ही होगा। बट अभी वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मैं आपको बताती हूँ। एक रे पार्टी, अब रे पार्टी अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है तो सिंपल शॉर्ट टर्म में बता दूं, उतना मुझे भी नहीं पता, बट इसमें ड्रग्स मिलते हैं और ड्रग्स इतनी काफी मात्रा में होती है और जितने चाहे आप ड्रग्स ले सकते हैं, बट यस, मुफ्त में तो कुछ चीजें मिलती नहीं है। तो यहां पर एक ड्रग पार्टी यानी कि एक रे पार्टी होती है क्रूज पे, बहुत बड़े से क्रूज, आलीशान, सैकड़ों हजारों लोग जिसमें बैठ सकते हैं, बट इसमें पता चला है अंदर के सूत्रों से। और जबकि मुझे ये न्यूज सुबह सुबह हर्ष मेहता, जो मेरा बहुत प्यारा भाई है, उसने मुझे दिया कि दीदी आपको पता नहीं होगा आर्यन खान गॉट अरेस्टेड या पूछताछ के लिए लेके गया है। तो मैंने अपने सूत्रों से जानकारी लेने की ज्यादा जरूरी समझी, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाती हूं जहां पर मुझे पूरी जानकारी ना हो। तब मुझे मेरे सूत्रों से पता चला कि ये बातें काफी हद तक सही है, बट कहां कहां रॉन्ग हुई है, क्या क्या हुई है, कौन लोग किस तरह से इसको बना रहे हैं, बहुत बड़ी खबर, वो आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि इस क्रूज में लगभग 1600 लोग थे, इसमें लड़का लड़की बूढ़े बच्चे बहुत कोई थे, अबव 18 ऑफकोर्स। तो यहां पर 1600 लोगों को इनवाइट पे आना, मतलब बहुत ही अच्छी शानदार एक पार्टी, और ये इनवाइट मतलब मुफ्त की पार्टी नहीं थी। बता दूं इस क्रूज में एक सीट की बुकिंग यानी कि एक सीट का प्राइस था 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए की वो एक सीट आपको मिलेगी क्रूज में बैठने की, या कह सकते हो क्रूज में अपना एक झंडा फहराने की। उसके बाद जितने भी खर्चे होते हैं, खाना पीना, वहां पे तो बहुत कुछ होता होगा भैया, अपने को तो नहीं पता ये सब क्या होता है, बट बहुत कुछ होता है, तो उसके पैसे अलग से। तो आप समझ ही सकते हो ये सब पार्टीज में कोई मामूली इंसान, हमारे जैसे लोग तो नहीं जा सकते, भूमिका मेहता जैसे लोग तो नहीं जा सकते, बेकार में मेरे को तो ड्रग्स खाना भी नहीं आता है, पता नहीं खाते हैं पीते हैं क्या करते हैं, तो यहां पर मेरे जैसे लोग तो नहीं जा सकते। तो यहां पे जाते हैं बहुत बड़े बड़े नाम वाले लोग, बहुत ही सेलिब्रिटी के, कह सकते हैं सेलिब्रिटी टाइप्स के लोग ही जा सकते हैं, बिकॉज इस पार्टी को अफोर्ड करना मामूली लोगों के बस की बात नहीं है। फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूं, जो आर्यन खान ने कहा है अब तक कि मुझे ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने कोई ड्रग्स नहीं खाई है, मैं इन सब चीजों से बहुत दूर हूं, मुझे फंसाया जा रहा है और मुझे इनवाइट किया गया था मिस्टर अरबाज मर्चेंट की तरफ से। तो अरबाज मर्चेंट बहुत बड़े एक नामी कारी, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जिन्होंने उसे इनवाइट किया था, यानी कि आर्यन खान के पॉकेट में से पैसे ना लेकर इन्वाइट किया गया था, गौर फरमाइए
रहेगा। और आर्यन खान का कहना है कि उसे ड्रग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब जब हमारी एकमात्र एजेंसी है जो बहुत एक्टिव है, यानी कि हमारी एनसीबी, हैट्स ऑफ टू देम, जब उनको यानी कि समीर वांगखड़े को जब ये खबर मिलती है कि ऐसा कुछ होने वाला है, ये शायद कल की ही बात है, तो जब ऐसा कुछ होने वाला है उनके कानों तक ये बात गई तो उन्होंने सीधा रेड नहीं मारा, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें ये पता है कि सीधा रेड मारने से काफी लोग भाग सकते हैं। तो बहुत ही बुद्धि से काम लगाकर उन्होंने अपनी एक टीम अपने साथ लेके गए और उस टीम को मतलब सिविल ड्रेस में लेके गए और वो लोग भी इस पार्टी के हिस्से बने, उनमें भागीदारी बने। अब जब वो लोग पहुंचते हैं तो इट वॉज अ वेरी सिंपल पार्टी, बहुत ही अच्छे से क्रूज में सारे लोग पार्टी कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जो नहीं दिखना चाहिए। लेकिन जब ये क्रूज समुन्दर की लहरों को पार करते करते बीचों बीच आ जाता है, तब इस क्रूज के अंदर अंधेरा हो जाता है और इस अंधेरे में चलती है रक पार्टी, यानी कि ड्रग्स की पार्टी, जिसे लोग रे पार्टी भी कहते हैं। तो इस रे पार्टी के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि लड़कियों के ब्रा पैंटी में और लड़कों के गंजी या फिर बाही में या फिर अंडरवेयर में बहुत जगह पर ड्रग्स को छुपा छुपा कर लेके आना आए हैं सब। और इवन द बैग्स, जो कपड़ों की बैग्स की सिलाई है, उसके अंदर भी ड्रग्स पाया गया है। बहुत ही ऐसी ऐसी जगहों पर जहां पे हम सोच भी नहीं सकते, बट ये एनसीबी थी जो सोचती भी है, समझती भी है और एक्शन भी लेती है। बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है हम आप सबके एनसीबी कि आपने सुशांत की मौत को जाया नहीं होने दिया, क्योंकि एकमात्र बहुत बड़ा रीजन सुशांत की मौत का ये है कि वहां पर ड्रग्स, जो ड्रग्स के एंटी हैं, सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग जो एंटी है, उनको भी इसमें शामिल किस तरह से करा गया, किस तरह से उनको छुप छुपा कर ड्रग्स उनके खाने में पीने में मिलाकर उन्हें अधमरा किया गया। आपको इसके पहले वाली मेरी वीडियो भी याद होगी जिसमें मैंने कुणाल जानी की बात करी, तो कुणाल जानी बहुत अच्छे से जानता था कि सुशांत सिंह राजपूत को छुप छुपा कर खाने पीने में ड्रग्स दिया जाता है अच्छी मात्रा पे, ताकि वो अधमरे रहे। और बहुत अच्छे दोस्त है वो रिया चक्रवर्ती के। कुछ ऐसे ऐसे पिक्चर्स भी सोशल मीडिया में बहुत फैले हुए हैं जिसमें कुणाल जानी के गले लग कर खड़ी है रिया चक्रवर्ती जैसी स्लट्स। तो बहुत कुछ हमें पता चल गया है। कुणाल जानी अभी एनसीबी के हिरासत में है, अरेस्टेड है, 4 तारीख यानी कि कल तक वो अरेस्टेड रहेंगे और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि उन्होंने कितना मुंह खोला है। हम आशा कर रहे हैं कि कुणाल जैसे गंदे लोग अपना मुंह अब खोल ही दे। और कुणाल अपने पैसों के दम पर बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस को जानते हैं। अब सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ड्रग्स खाते हैं या नहीं खाते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन कुणाल जानी को अब जब पकड़ा गया है तो मैं दिल से इच्छा करती हूं, एंड आई एम श्योर आप लोग का भी यही कहना होगा कि एनसीबी को उसे धुलाई उलाई सब करके उससे बहुत सारी चीजें उगलवानी चाहिए, क्योंकि ये बंदा सुशांत सिंह की मौत यानी 14 जून 2020 से गायब था और इसे पकड़ा गया है ड्रग्स के साथ। और जहां तक पता चला है, मैं भूल चुकी हूं उस जगह का नाम जहां से उसे पकड़ा गया है, बट ये अब कोई ऐसी बात नहीं है जो आप लोगों तक नहीं गई है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सब बताया है। बहरहाल जो मैं आपको कह रही थी, आर्यन खान ने ये कहा है कि उससे ड्रग्स के बारे में नहीं पता है। उसके साथ ही साथ और 7 लोगों का नाम भी आ रहा है और कुछ नामों को मैं आपको यहां पर बता रही हूं। एक है मोहक, एक है नुपुर और एक है भौमिक। नुपुर और मोहक फैशन डिजाइनिंग के वर्ल्ड से आ रहे हैं, यानी कि वो लोग भी ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां से वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ये सब चीजें। और भौमिक जो है बाल काटने वाला बार्बर, नहीं नहीं भाई, जब बड़े बड़े बाल काटने वाले अब सेलिब्रिटीज हैं तो भौमिक भी कुछ इतना ही बड़ा ज्यादा होगा जिसने इतनी खासम खास पार्टी में आने का सोचा। तो ये 3 लोगों के नाम भी आर्यन खान के साथ आ रहे हैं और ये जो 8 लोग हैं टोटल, उनका मेडिकल टेस्ट भी होने वाला है और मेडिकल टेस्ट के बाद पता चलेगा कि इनकी कहानियों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, सब कुछ पता चलेगा। और एनसीबी ने ये अपनी ट्वीट में बहुत अच्छे से बता दिया है कि इन लोगों के ऊपर जब चार्जशीट लगेगी तब ये नहीं समझा जाएगा ये किसका बेटा है किसका नहीं,
ये जो भी है उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, उनके साथ जो व्यवहार करना चाहिए वही करेंगे। और अभी तक फिलहाल ये न्यूज ना फैलाए कि आर्यन खान हैज बीन अरेस्टेड, ही इज नॉट बीन अरेस्टेड, उससे पूछताछ हो रही, बाकी 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अब भैया आर्यन खान है तो थोड़ा तो लेवेज देना ही पड़ेगा। तो जो भी है 4 तारीख तक पता चल जाएगा, यानी कि कल तक हमें शायद पता चल जाए कि आगे क्या बात हो रही है, और तब मैं आपसे डेफिनेटली रूबरू होकर आपको भी ये खबर जरूर दूंगी। और रही बात आर्यन खान की, शाहरुख खान के बेटे की, तो हमेशा ये मत सोचिए कि एक बड़े आदमी का बेटा ही ऐसा कर सकता है। छोटे से छोटा आदमी भी ड्रग्स ऐसी चीज है जिसकी लत लग जाए तो अपने माँ बाप का भी खून करके पैसे कमा के या पैसे लूट कर ड्रग्स जैसी चीजें खा सकते हैं। तो ये बहुत ही गंदी चीज है, और मैं चाहती हूं कि मेरे जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन, या मेरे उम्र के लोग, या मुझसे बूढ़े बच्चे जो भी है, इन सब चीजों को ध्यान रखिए और ये सोच लीजिए कि अब आप लोग बचेंगे नहीं, इससे अच्छा होगा कि फंसे नहीं और अपनी आदतों को बदले। नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स, बॉयकॉट ड्रग्स, बॉयकॉट सब चीज पर बॉयकॉट ड्रग्स फर्स्ट। एंड ये भी बता दूं कि इस गिरफ्तारी या इस बड़े से रेड के बाद भी बॉलीवुड से कोई भी ट्वीट नहीं हुए हैं, बॉलीवुड का कोई रिएक्शन अभी तक फिलहाल नहीं हुआ है। जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी तब बात अलग हो सकती है, बट अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूं लगभग 2:30 बजे के बीचों बीच, मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड होती है, तो आपको बता दूं कि चीजें चेंज हो सकती है, बट अभी फिलहाल तक बॉलीवुड से कोई रिएक्शन नहीं आया है। और ये मेरे सूत्रों से जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन कंफर्म मिली है वो मैं आप तक पहुंचा रही हूं। थैंक्स टू हर्ष ऑल्सो कि उसने मुझे ये टॉपिक के बारे में बताया, क्योंकि मैं काफी बार नहीं देखती हूं न्यूज, क्योंकि मेरी आंखों में प्रेशर पड़ता है, आप सब जानते ही हैं। पर जब भी ऐसी खबरें आती है जो सच्ची होती है उस पर मैं जरूर 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 बोलूंगी। लोगों को लाइक करना हो तो करें, ना लाइक करना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच बोलने वालों की जीत अंत में जरूर होती है। अभी जिसको जो करना है कर ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि सच बोलने वाले सच ही बोलेंगे और मैं सच ही बोलती हूं। और आप तक ये क्वेश्चन का भी आंसर मैं दे दूं, लोगों को ये भी पूछना था शहनाज कैसी है, काफी दिन हो गए कोई अपडेट नहीं है। तो जिस अपडेट के बारे में मैंने आपसे बात करी थी, मैं बता दूं कि शहनाज कोई मीडिया के सामने नहीं आई है, ये मैं आपको बता दूं। ये चीज मुझे भी बहुत खुशी आई थी कि जब मुझे सुनाई दिया था, बट अफसोस के साथ ये मीडिया वालों ने वापस से एक रूमर फैलाया, बट शहनाज अभी तक बाहर नहीं उतना निकली है। शायद वो पार्टी उस ट्रेलर में गई होगी, बट उसने किसी के साथ बात नहीं करी है, कुछ शेयर नहीं किया है, एंड वो अभी भी अपने सदमे में है, उसे वक्त दीजिए। और जहां तक सुनने में आया है कि वो कुछ समय के लिए पंजाब जा सकती है, जबकि हमें पता है कि लंदन में उसकी शूटिंग बाकी है, तो उस हिसाब से अभी वो क्या डिसाइड करेगी उस पर टोटली निर्भर करता है। रीटा शुक्ला उसके साथ है, परिवार वाले उसके साथ है, माँ बाप साथ है, और मैं समझती हूं कि हम सबकी दुआ, हम सबका प्यार भी उसके साथ है, तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा। बट जो इम्पोर्टेंट बात है, ना भूले, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना है। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर हिम, वी ऑल्सो वॉन्ट जस्टिस फॉर सिद्धार्थ शुक्ला, बट अभी तक कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है। काफी जद्दोजहद करने के बाद बस इतना ही पता चला है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला है कि काफी कार्बन मिला है, जो सिगरेट स्मोकर्स के अंदर कार्बन होता है उससे 50 गुना ज्यादा मिला है। रही बात विसेरा रिपोर्ट्स, कुछ भी हमारे सामने नहीं आया है, हमारी कोशिश अभी भी जारी है और हम अभी भी कोशिश करते रहेंगे और अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबके सामने मैं एक ही चीज कहूंगी, साथ दीजिए, मेरी वीडियो को वायरल करे या ना करे, मेरी सोच को जरूर वायरल करिएगा। और कुणाल जानी जैसे लोगों के बारे में कल तक हमें और भी अपडेट मिल सकती हैं, तब तक के लिए इंतजार करिए, अपना साथ मुझे हमेशा के लिए दीजिए, अपना सपोर्ट मुझे दीजिए जैसे आप देते हो। धन्यवाद, आई लव यू ऑल, थैंक यू। एंड मेरी 98K की फैमिली बनाने के लिए भी आप सबको धन्यवाद, थैंक यू एंड जय हिंद।